प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभकारी रहेंगे। किस व्यक्ति ने, प्रश्न संख्या 1 है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। जवाब है इसका मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। जवाब है इसका संसद का सत्र शुरू होने पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। जवाब है 1936। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ये जवाब है इसका क्रिप्स योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। जवाब है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। जवाब है 5 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। जवाब है इसका राष्ट्रपति द्वारा यह घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जवाब है 21। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। जवाब है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। जवाब है 299। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। जवाब है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जवाब है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। जी वी मावलंकर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। इसका उत्तर है 1955 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। 20 जुलाई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। उत्तर है इसका सितंबर 1946 में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। जवाब है 25। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में बांटा गया है। जवाब है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई। जवाब है अक्टूबर 1946 में। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आंसर है इसका 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला। जवाब है इसका 14 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 23 दिसंबर 1946 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की दिशा में
पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था और यह किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जवाब है जनता में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मुरारजी देसाई द्वारा प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया गया था। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? जवाब है प्रस्तावना को। नेक्स्ट, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है संसद के सत्र के दौरान, संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? जवाब है 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न, भारत के परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? जवाब है इसका सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका जवाब है। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874। दादर एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री थे? राजकुमारी अमृत कौर। अगला सवाल है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? जवाब है इसका 25 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।